नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है सूरज आप देख रहे हैं इसकेट एक यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे मोटरला जी सेवेंटी थ्री फाइव जी स्मार्टफोन के साथ तो सबसे पहले डिस्प्ले का बात करते हैं इनफिनिक्स आता है सिक्स पॉइंट सेवन एट इंच का फुल एच प्लस आई पी एल डिस्प्ले के साथ जिसमें आपको मिलता है वन ट्वेंटी का रिफ्रेश रेट थ्री नाइनटी सिक्स पीपीआई और फाइव एटी नीट्स का पीक ब्राइटनेस वही मोटरला जी सेवेंटी थ्री आता है सिक्स पॉइंट फाइव इंच का फुल एच डी प्लस आई पी एस एल सी डी डिस्प्ले के साथ जिसमें आपको मिलेगा का चार सौ पांच पीपीआई डेंसिटी थाउजेंड नीट्स का पीक ब्राइटनेस और पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन डिस्प्ले तो देखा जाए ऐसे दोनों का लगभग लगभग बराबर ही है यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बेटर है मोटरला जी सेवेंटी थ्री का डिस्प्ले वही ऑडियो का अगर बात करें तो इन्फिनिक्स नोट थर्टी फाइव जी स्मार्टफोन में आपको थ्री पॉइंट फाइव एम एम जैक मिल जाता है साथ में मिलता है डुअल स्टीरियो स्पीकर ट्यून बाय जे की तरफ से और मोटोला जी सेवेंटी में भी आपको थ्री पॉइंट फाइव एम एम जैक मिलता है स्पीकर के साथ में साथ में मिलता है डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट यानी कि ऑडियो का जो एक्सपीरियंस है वो दोनों ही स्मार्टफोन में काफी अच्छा मिलने वाला है आपको अब अगर कैमरा का बात करें तो इनफेक्स नोट थर्टी में आपको मिलेगा एक मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा साथ में मिलता है दो मेगा पिक्सल का डेफ और एक क्यू कैमरा भी दिया हुआ है मेन कैमरा से टू के वीडियो एट थर्टी में रिकॉर्ड कर सकते हैं टेन एटीपी वीडियो

16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जिससे आप 1080p वीडियो एट थर्टीएस में रिकॉर्ड कर सकते हैं तो दोस्तों कैमरा क्वालिटी तो यहां पर दोनों का ही अच्छा है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बेटर कैमरा सेटअप जो है वो स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगा परफॉर्मेंस का बात करने से पहले जरा बॉडी डायमेंशन का तरफ देख लेते हैं इनफिनिक्स नोट थर्टी फाइव जी में आपको मिलेगा एट पॉइंट फाइव mm एम का थिकनेस दो सौ पांच ग्राम वेट है डुअल सिम प्लस माइक्रो एच कार्ड का स्लॉट मिल जाता है साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट का स्कैनर मिलेगा प्लास्टिक फ्रेम है बैक में आपको वीगन लेदर और प्लास्टिक का दो ऑप्शन मिल जाता है साथ में मिलता है IP53 का रेटिंग यानी कि डस्ट एंड फ्लास रेसिस्टेंट है और वही मोटर G73 में आपको मिलता है 8.3 पॉइंट का थिकनेस 181 ग्राम वेट है हाइब्रिड डुअल सिम के साथ में आता है साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट का स्कैनर मिल जाएगा प्लास्टिक फ्रेम एंड प्लास्टिक बैक है और आई का रेटिंग भी मिल जाता है यानी कि डस्ट एंड फ्लास्ट रेसिस्टेंट यहाँ भी आपको मिल जाएगा और नेटवर्कस का बात करें तो इन्फिनिक्स नोट थर्टी में आपको मिलेगा चौदह फाइव जी बैंड्स और मोटोला जी में आपको मिलता है तेरह फाइव जी अब बात करते हैं परफॉर्मेंस का तो इन्फिनिक्स नोट थर्टी फाइव जी में आपको मिलता है मीडिया टेक डायमेंसिटी सिक्स जीरो एट जीरो सिक्स नाइन वाला चिपसेट साथ में मिलता है एल पी डी फोर एक्सआर रैम यो फिर टू पॉइंट टू का स्टोरेज और इसका जो अंतु स्कोर है चार लाख के ऊपर आता है वही मोटरला जी सेवेंटी वाला चिपसेट साथ में मिलता है IPDR4X का रैम स्टोरेज टाइप है UMCP जो स्टोरेज है वो 2 .2 से थोड़ा सा स्लो रहता है हल्का सा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है स्कोर यहाँ भी आपको चार लाख के ऊपर मिल जाएगा तो परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है लगभग लगभग बराबर है थोड़ा सा ज्यादा स्कोर आपको मोटरला जी में मिल जाता है लेकिन कि इन्फिनिक्स का जो स्टोरेज टाइप है यूएफएस 2.2 स्टोरेज मिलता है जो मोटोरोला की स्टोरेज टाइप से थोड़ा सा ज्यादा फास्ट है यानी कि डे बाय डे का जो टास्क वगैरह रहता है नॉर्मल टास्क उसमें इन्फिनिक्स ज्यादा स्मूथ काम करेगा मोटोरोला से और सॉफ्टवेयर का बात करें तो इनफिनिक्स नोट 35G आता है एंड्राइड 13 ओएस 13 के साथ में साथ में आपको मिलेगा वन ओ एस अपग्रेड प्लस दो साल का सिक्योरिटी अपडेट वहीं मोटरोला जी सेवेंटी थ्री में भी आपको एंड्रॉइड थर्टीन मिल जाता है और स्टॉक एंड्रॉइड यू आई का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा साथ में मिलता है वन ओ एस अपग्रेड और तीन साल का सिक्योरिटी अपडेट बैटरी का बात करें तो इन्फिनिक्स नोट थर्टी आता है पांच हजार एम एच बैटरी फोर्टी फाइव वाट फास्ट चार्जिंग के साथ में और मोटरवाला जी सेवेंटी थ्री में आपको मिलेगा पांच हजार एम का बैटरी थर्टी वाट फास्ट चार्जिंग के साथ में प्राइस का बात करें तो इनफिक्स नो थर्टी आता है चौदह हजार नौ निनबे रुपए में जिसमें आपको मिलेगा चार जीबी रैम प्लस एक सौ अठाईस जी का इंटरनल स्टोरेज और इसका जो दूसरा वेरियंट है वो आता है पंद्रह हजार नौ निन्यानवे रुपए में जिसमें आपको मिलेगा आठ जीबी रैम प्लस दो सौ छप्पन जीबी का इंटरनल स्टोरेज वही मोटरवाला जी सेवेंटी थ्री आता है सोलह हजार नौ सौ निन्यावे रुपए में जिसमें आपको मिलेगा आठ जीबी रैम प्लस एक सौ अठाईस जीबी का इंटरनल स्टोरेज ये अभी का करेंट प्राइस है लेटेस्ट प्राइस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाए चेक कर सकते हैं तो कंक्लूजन का अगर बात करें इनफिनिक्स नोट थर्टी फाइव जी और मोटोला जी सेवेंटी थ्री फाइव जी स्मार्टफोन के बीच में तो डिस्प्ले मोटो का थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया मिलेगा कैमरा इन्फिनिक्स का थोड़ा सा अच्छा है बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ा सा ज्यादा बेटर है इनफिनिक्स का फाइव जी बैंड भी इनफिनिक्स में, में ज्यादा मिलेगा परफॉर्मेंस लगभग लगभग बराबर ही है सॉफ्टवेयर जो है मोटोरोला का ज्यादा अच्छा मिलेगा आपको बैटरी सेम है चार्जिंग इन्फिनिक्स में ज़्यादा फास्ट है और प्राइस का भी अगर बात करें तो इनफिनिक्स का प्राइस थोड़ा सा कम है साथ में यहाँ पर आपको दो सौ का स्टोरेज भी मिल जाता है ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पर इस कम्पेरिजन का क्लियर विनर मेरे हिसाब से तो इन्फेक्स नोट no थर्टी फाइव जी स्मार्टफोन है बाकी आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेटर है इनफेक्स नोट थर्टी या फिर मोटोलाजी सेवेंटी थ्री स्मार्टफोन आप कौन सा स्मार्टफोन लेना पसंद करेंगे और कोई अगर इंपॉर्टेंट डिटेल में से मिस हो गया तो प्लीज कमेंट करके बताइए तो ये था हमारा वीडियो विनफेक्स नोट no थर्टी स्मार्टफोन और मोटोलाजी सेवेंटी थ्री स्मार्टफोन के बीच में वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए मिलते फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार